हेलो गाइस, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। पालक और ये बड़ी दूध की बोतलें, अभी भी निकालेंगे पनीर। तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको कैसे निकलता है, बाकी आपको पता ही होगा। अभी निकालेंगे तो बताएंगे आपको। तो गाइस, दूध हमने रख दिया है एक पतीले में, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है नींबू का रस, जो मतलब कि बोतल में आता है। बाकी अभी कुछ छोड़ देते हैं पकने के लिए। बाकी इसमें भी सिर्फ डेढ़ बोतल ही डाली है, दो बोतल डाली है पूरी, इसमें पूरा नहीं आया, चार बोतलें। और बाकी की दो बोतलें हमने मैं डाल रहा हूँ इस टाइम दूसरे पतीले में। ठीक है, अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा नींबू। ये अपना नींबू पतली में आता है, इसमें ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा डाल देते हैं और इसको उबलने दे देते हैं। तब तक दूध फट जाएगा, फिर पनीर बन जाएगा। और इतने भाई इतना लगे हुए हैं मसाला तैयार करने में, मिर्ची वगैरह इन्होंने पीस दिए हैं। ये अपना लहसुन, लहसुन का पेस्ट, प्याज भी काट रखे हैं। और अब प्याज को पीसेंगे। भाई लगे अपना प्याज को पीसने में, ग्राइंड करने में। अभी जो अच्छा बने अच्छी बने और अपना पता है थोड़ा देते हैं तो पानी अलग और पनीर अलग हो जाएगा। तो लोग गाइस, फाइनली हो चुका है अपना पनीर बनके तैयार। पानी अलग और पनीर अलग हो चुका है, चीज में अभी ठहरा है। एक अपना दूसरा कंप्लीट हो चुका है। दुखी हो रहा है अरे 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 अरे
गाइस पनीर अपना निकल चुका है, ये सारा पनीर ही है, दोनों में से निकाला गया, बाकी थोड़ा सा निकल भी गया था, मतलब एक जो तुस्सा क्या पता नहीं पटाखे से मार रहा था, दो तीन बार उसमें से बार भी निकला, चिंटे भी लगे ऊपर मेरे, ज़्यादा नहीं है बट बाकी पनीर निकल चुका है। फिर अब इस पर लगा देते हैं फ्रिज में और फिर बनाएंगे, अब हम करते हैं सब्जी बनाने की तैयारी। उसको लगा दिया है फ्रिज में, मशरूम कोक ये दो दी बोतलें और एक इडली है, उसको भी रख देते हैं। तो मिलते हैं आपको सब्जी बनाते हुए। जीरा पाना है, पर मैंने पूरी बनाई थी पता, और कुछ के लिए इसका नहीं पड़ना मेरा पूरी और से तारे से गरम तेल वाले पूरी के नाम का बची है, ये गरम तो पिंग लग रही गई। वो कड़ती बहुत कड़ती के वहां पे ले रखी है स्टील वाली भैया, अपना तो कोई चक्कर नहीं है, उसने उसमें देखकर उसका What happened? तो भाई इसमें हमने डाल दिया अपना स्वाद अनुसार नून मिर्च और हल्दी वगैरह, ठीक है, थोड़ा सा गरम मसाला और इसको थोड़ा पका देते हैं। He said to the restaurant, we have the same manager. The main manager is the she who's standing there on that day. You remember? No, the one I like, you know, who have the spec. No specs. तो गाइस थोड़ा सा साग पकाने के बाद हमने इसमें डाल दिया इसमें पनीर बड़े 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 पीस करके और इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। तो फाइनली गाइस अपना पालक पनीर हो चुका है तैयार और रोटी भी हमने बना ली है, तो हम खाते हैं इनको, अब हम रोटी खा के करते हैं रेस्ट।
तो आज के लिए अपना मेन इतना ही था, क्योंकि बाकी छुट्टी तो आज हम पहले घूम के आए, फिर हमने रकमी बनाने की सोची, सामान वगैरह ले आके रकमी बना लिया, तो खा लेते हैं इसको। तो मिलते हैं अब अगले नहीं किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड।